पार्सला डीसी रामगढ़ के आज के सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट फोर में 12th साइंस के सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट, पार्ट फोर को शुरू करने से पहले हम पार्ट थर्ड पर थोड़ा बात करें। स्टूडेंट, पार्ट थर्ड में हमने आपको क्या पढ़ाया था? पार्ट थर्ड में हमने सीखा था कि जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नेम्ड एज सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। ये आपको तीनों सॉल्यूशन के टाइप्स और साथ ही साथ हम इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन के फीचर्स के बारे में बात किए थे कि कौन सा मिक्सचर होमोजेनस नेचर का होता है, कौन हेट्रोजेनस का नेचर का होता है, कौन रिवर्सिबल है, कौन रिवर्सिबल नहीं है, किसकी विजिबिलिटी कैसी है, कौन नेकेड आई से दिखता है, कौन नेकेड आई से नहीं दिखता है, वगैरह वगैरह। तो इन सारे फीचर्स को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम पार्ट फोर में आप लोग के लिए लेके आए हैं फेजेस ऑफ कोलोइड एंड देयर क्लासिफिकेशन। यानी आज से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं कोलोइडल केमिस्ट्री की ओर, यानी कोलोइड्स की ओर, जिसमें हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि कोलोइड के कौन कौन से फेजेस होते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलोइड्स क्या है? तो स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कोलोइड वो सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल की साइज़, जिसे हम इंटरमीडिएट साइज़ मानते हैं, सस्पेंशन से छोटा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा। कोलोइडल सॉल्यूशन में हम चारों तरफ देखें तो हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन कई फॉर्म में पाते हैं, एज ए मिल्क, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, हम लोग जो हनी खाते हैं, और यहाँ तक कि स्टार सॉल्यूशन। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड। इसके अलावा आपके और भी कई सारे कोलोइड्स हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए कोलोइड्स केमिस्ट्री में, हम लोग कोलोइडल केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फेजेस ऑफ कोलोइड, यानी कि कोलोइड के कौन कौन से फेजेस होते हैं। फेजेस मतलब कोलोइड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप सॉल्यूशन में पढ़े थे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसी तरह कोलोइड के भी दो फेजेस होते हैं जिसमें से एक फेज है डिस्पर्स फेज और दूसरा फेज है डिस्पर्शन मीडियम। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ डिस्पर्स फेज होता क्या है। सपोज ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है और ये हमारे जो दिख रहे हैं ये क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स। ये क्या है? कोलोइडल पार्टिकल्स। और ये कोलोइडल पार्टिकल्स जो है काफ़ी स्मॉलर प्रोपोर्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा और ये जो है आपका एक्सेस प्रोपोर्शन में। तो जिस कंपोनेंट का प्रोपोर्शन स्मॉलर प्रोपोर्शन में रहे, जो कंपोनेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन में पाया जाए उसे कहते हैं डिस्पर्स फेज। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिस्पर्स फेज। तो हम कैसे किसको कहेंगे? इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड इज जस्ट लाइक ए सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट किसको कहते हैं आपको मालूम है, जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में हो उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक इस तरह कोलोइडल सॉल्यूशन में जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में जो होते हैं उसे हम कहेंगे डिस्पर्स फेज। रहा बात डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, तो ये डिस्पर्स फेज के बाद बाकी जितना भी कंपोनेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हम इसे कह सकते हैं क्या, डिस्पर्शन मीडियम। यानी जस्ट लाइक एज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है जो एक्सेस प्रोपोर्शन में होता है। तो इट इज़ जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इज जस्ट लाइक ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया कि कोलोइडल सॉल्यूशन के दो फेज कौन कौन से है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। चलिए जैसे मैं एग्जांपल की बात करें, ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा स्टार सॉल्यूशन है जिसमें आप देख रहे हैं उनकी स्टार्च के ये पार्टिकल्स है और ये स्टार्च के पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिस्पर्स फेज। और ये जो हमारा वाटर में जो स्टार्च डिजॉल्व है हम इस वाटर को क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। चूँकि वाटर हमारा एक्सेस प्रोपोर्शन में है और स्टार्च के जो पार्टिकल्स है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में है, तो स्मॉलर प्रोपोर्शन वाले को हम कहते हैं डिस्पर्स फेज और एक्सेस प्रोपोर्शन वाले को कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो चलिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि जितने भी कोलोइड हमें चारों तरफ जो दिखाई देते हैं वो कोलोइड के कितने प्रकार हैं, यानी हम उसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, कैसे इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन का एक बेसिक होता है। तो यदि हम इसको बेसिक वाइज को क्लासिफाई करें स्टूडेंट तो हम पाएंगे इसको हम फिजिकल स्टेट से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसे हम नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं और इसे हम टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बेसिक पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन के वे पर जाएंगे, एक फिजिकल स्टेट पर और एक नेचर ऑफ
इंट्रैक्शन पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिकल स्टेट पर, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिक पर कितने तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि हमारे सब्सटेंस जो होते हैं वो उसके 3 फिजिकल स्टेट है, मालूम है ना कौन कौन सा, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज, यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। और इस तरह कुल मिला के यदि हम देखें कि हमारा ये कोलोइडल सॉल्यूशन उसके फिजिकल स्टेट पर कितने तरह होते हैं, तो हम पाएंगे टोटल 8 टाइप्स के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे 8 टाइप के, तो जरा देखिए, जब डिस्पर्स फेज का सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम के सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो, जब डिस्पर्स फेज का सॉलिड किसी डिस्पर्सन मीडियम ऑफ लिक्विड में डिजॉल्व हो, या डिस्पर्स फेज का पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस में डिस्पर्स्ड हो, तो इस तरह से 1, 2, 3 टाइप्स हो गए। इसकी बात करते हैं, जब डिस्पर्स फेज का लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट में डिस्पर्सन मीडियम ऑफ सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो, जब लिक्विड का डिस्पर्स फेज लिक्विड के डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड हो, और जब डिस्पर्सन फेज का लिक्विड किसी डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस में डिजॉल्व हो, तो इस तरह 3, 4, 5 और ये 6 हुए। अब यहाँ बात करते हैं गैस, जब डिस्पर्स फेज का गैस डिस्पर्सन मीडियम ऑफ सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो, और जब डिस्पर्स फेज का गैस डिस्पर्सन मीडियम ऑफ लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, तो इस तरह टोटल कितने हो गए, 3, 3, 6 और 6, 2, 8। तो इस तरह से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिक पर 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। चलिए हम 1 by 1 सारे कोलोइडल सॉल्यूशन को एग्जांपल के द्वारा समझें। तो सबसे पहले हम बात करते स्टूडेंट, जब डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड हो, और डिस्पर्सन में भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, डिस्पर्सन मीडियम मतलब ये सारे एक्सेस प्रोपोर्शन में, और ये हमारा स्मॉलर प्रोपोर्शन में, चूंकि ये डिस्पर्स फेज है और ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, यानी डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स है, मतलब डिजॉल्व है। तो यदि हमारा डिस्पर्स फेज में सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड में डिजॉल्व हो, तो उसको कहेंगे सॉलिड जोल, याद रखेंगे। जब डिस्पर्स फेज का सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड में डिजॉल्व हो, यानी डिस्पर्स हो, तो हम उसको कहेंगे फ्लूइड जोल, और यदि हमारा डिस्पर्स फेज का सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस में डिस्पर्स हो, तो हम उसको कहेंगे एरोजोल। तो इस तरह से 3 तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड जोल, फ्लूइड जोल और एरोजोल। चलिए एक एक करके हम एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड जोल। सॉलिड जोल के एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो जितने भी कलरफुल ग्लासेस आप जो देखते हैं आपके घर में, आपके किचन में, है ना, जितने भी कलर्ड ग्लासेस या विंडोज़ में, तो ये सारे कलर्ड ग्लासेस हमारा सॉलिड जोल में आते हैं, यानी कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। और एग्जांपल की बात करें, जो आपके अंगूठी में जो रत्न लगे रहते हैं, जो पत्थर लगे रहते हैं, जिसको कहते हैं गेम स्टोन्स, ये भी हमारा सॉलिड जोल के ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूँ सॉलिड और लिक्विड में होने वाला कोलोइडल सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड जोल। और फ्लूइड जोल की एग्जांपल की बात करें, तो जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, यानी कि सॉलिड जो है डिस्पर्स्ड है लिक्विड के डिस्पर्सन मीडियम में, तो इस तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन में हमारा एग्जांपल आता है सबसे पहला पेंट। कौन सा एग्जांपल आता है, पेंट। पेंट हमारा क्या है स्टूडेंट, एक फ्लूइड जोल का एग्जांपल है। कैसा जोल का एग्जांपल है, फ्लूइड जोल का एग्जांपल है। अब यदि मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं स्टूडेंट, तो हमारा दूसरा एग्जांपल है मड्डी वाटर, मड्डी वाटर आप जानते हैं। और तीसरा एग्जांपल की बात करें तो सेल फ्लूइड, सेल फ्लूइड मतलब जो कोशिका में जो तरल पदार्थ होते हैं, सेल फ्लूइड। ये हमारा हो गया कैसा कोलोइडल सॉल्यूशन, फ्लूइड जोल, जिसमें सॉलिड जो है डिस्पर्सन मीडियम और लिक्विड में डिस्पर्स्ड है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, एरोजोल, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, जिसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड है गैसेस मीडियम में। जैसे एग्जांपल 4, जैसे स्मॉक, जो फैक्ट्रियों में जो कल कारखानों में जो धुआं निकलती है वो हमारा स्मॉक है, स्मॉक इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एरोजोल। सेकेंड एग्जांपल की बात करें डस्ट, डस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एरोजोल, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम हमारा गैस होगा। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ लिक्विड के डिस्पर्स फेज में होने वाला डिस्पर्सन मीडियम ऑफ सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम ऑफ लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस। यदि डिस्पर्स फेज का लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ सॉलिड में डिजॉल्व हो, तो हम उसको कहेंगे जेल, क्या कहेंगे इसको, जेल। और यदि डिस्पर्स फेज का लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ लिक्विड में डिजॉल्व हो, यानी डिस्पर्स्ड हो, तो हम उसको कहते हैं उस कोलोइडल सॉल्यूशन को इमल्सन, क्या कहते हैं इसको, इमल्सन। और यदि डिस्पर्स फेज का लिक्विड किसी डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस में डिस्पर्स हो, तो हम उसको कहेंगे एरोजोल। यानी इसके 3 टाइप्स, जेल, इमल्सन और एरोजोल। चलिए एक एक एग्जाम्पल पर हम आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम जेल की देखें।
जिसमें डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडिया हमारा सॉलिड है। एग्जांपल फॉर चीज़ यानी पनीर, आप जो पनीर खाते हैं उसमें लिक्विड हमारा डिस्पर्स फेज होता है और सॉलिड हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है, सॉलिड एक्सेस प्रोपोर्शन में और लिक्विड स्मॉलर प्रोपोर्शन में। किसकी बात करें स्टूडेंट, चीज़ की यानी पनीर की। दूसरा एग्जांपल की बात करें बटर, जो आप ब्रेड में बटर लगा खाते हैं, बटर भी हमारा कौन सा कोल्डेजोल में आता है, कोल्डेज सॉल्यूशन में आता है, बिल्कुल जेल में आता है, जिसमें डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड फॉर्म में। इसके अलावा जेली, बूट पॉलिश, ये भी हमारा जेल कोल्डेज सॉल्यूशन के एग्जांपल में आते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं जब डिस्पर्स फेज का लिक्विड किसी डिस्पर्सन मीडियम के लिक्विड में डिजॉल्व मतलब डिस्पर्स्ड हो, यानी इमल्सन की बात करते हैं, तो इमल्सन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं मिल्क में, जो हम लोग पीते हैं मिल्क, दूध। दूध एक तरह का इमल्सन है, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम यानी ऑयल एंड वाटर, फैट एंड वाटर दोनों डिजॉल्व है, जो कि दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। हेयर क्रीम, जो हम लोग बालों में जो क्रीम लगाते हैं, ये भी हमारा इमल्सन का एग्जांपल है, और जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं जैसे सिरप, ये भी हमारा इमल्सन्स है। नेक्स्ट, यदि हमारा डिस्पर्स फेज का लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस में डिस्पर्स्ड हो तो हम उसको कहते हैं एरोजोल, और एरोजोल का एग्जांपल की बात करें तो जैसे फॉग, कुहासा जो देखते हैं आप लोग, क्लाउड यानी बादल है ना, और मिस्ट जो धुंधलापन देते हैं, कुहासा जो देखते हैं, और जो आप देखते हैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे यानी जो स्प्रे करते हैं, जो एग्रीकल्चर में जो हम लोग स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारा एग्जांपल्स है किसके, एरोजोल के। तो ये था हमारा लिक्विड और गैस का कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं एरोजोल। ओके नाउ लास्ट हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं जब डिस्पर्स फेज हमारा गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम में भी सॉलिड और में भी लिक्विड हो। तो यदि हमारा डिस्पर्स फेज गैस हो और सॉलिड हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सॉलिड जोल के नाम से जानते हैं। और यदि डिस्पर्स फेज हमारा गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम हमारा लिक्विड हो तो उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं, फॉर्म का नाम आप सुने होंगे फॉर्म, बिल्कुल। चलिए हम देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू सॉलिड जोल की बात करें, जिसमें डिस्पर्स फेज हमारा गैस है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड है, जिसमें प्यूमिक स्टोन इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड जोल। दूसरे एग्जांपल की बात करें फॉर्म रबर, जो रबर के जो फॉर्म होते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे गैसेस होता है, लेकिन गैसेस स्मॉल प्रोपोर्शन में और सॉलिड एक्सेस प्रोपोर्शन में, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड जोल। नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो फॉर्म से तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह परिचित होंगे, फॉर्म जिसमें डिस्पर्स फेज गैस है और लिक्विड हमारा डिस्पर्सन मीडियम। यदि मैं फॉर्म के एग्जांपल लूँ तो सॉफ्ट लेदर, जैसे आप साबुन में हाथ से में साबुन रगड़ते हैं तो उसमें फ्रॉथ निकलता है, झाग निकलता है, तो ये जो आपका सॉफ्ट लेदर है, ये सॉफ्ट लेदर हमारा फॉर्म ही है। इसके अलावा व्हाइप क्रीम, जो क्रीम यूज़ करते हैं जैसे केक वगैरह में आप देखते हैं क्रीम लगाते हुए, या फिर आप सेविंग फॉर्म, जो हम लोग आजकल सेविंग जब करते हैं तो फॉर्म के द्वारा हम लोग सेविंग करने लगे हैं, तो फॉर्म दिस इज द सेविंग फॉर्म। और ये फ्रॉथ, जो आप लोग कॉफ़ी वगैरह जो होता है उसमें जो झाग निकलता है, देखते हैं ना कॉफ़ी जब बनती है तो उसके आपके कप के ऊपर एक झाग देखने को मिलता है, फ्रॉथ देखने को मिलता है, तो फ्रॉथ इज ऑल्सो वन अदर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्म। तो इस तरह हमने देखा इतने तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब आप सोचोगे कि सर सभी में आप देखिए तीन तीन प्रकार देखे, थ्री टाइप्स, लेकिन इसके गैस के डिस्पर्स फेज में केवल और केवल दो ही टाइप है सर, जिसमें एक फॉर्म बताए थे और एक सॉलिड जोल, आखिर ऐसा क्या कारण है? तो स्टूडेंट कारण यह है कि गैस और गैस को यदि हम आपस में डिस्पर्स करते हैं, एक डिस्पर्स फेज का गैस डिस्पर्सन मीडियम के गैस में, तो कभी भी ये हेट्रोजीनस नेचर नहीं होता, ये कैसा होता है, होमोजीनस सॉल्यूशन होता है। और आपको मालूम है होमोजीनस सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं स्टूडेंट, हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, इसीलिए इस तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन का ये बेसिक, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम देर आर 8 काइंड्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला बेसिक हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लॉकडाउन ई पार्सल डीसी रामवर की क्लासेस को आप कंटिन्यूटी को बनाए रखें और अच्छा से पढ़ें। धन्यवाद।